आपको बताने वाली हूँ कि घर पर हम अंगूर की सहायता से किस तरह से किशमिश बना सकते हैं। हमें लगता है किशमिश बनाना बहुत कठिन है, परंतु आज मैं आपको इस ताजे अंगूरों की सहायता से किशमिश बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने अंगूर लिए हैं दोस्तों। आप जितनी ज्यादा मात्रा में किशमिश बनाकर रखना चाहते हैं, आप उतनी ही मात्रा के अंगूर लें। अभी अंगूर का सीजन है, बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्रेप्स बाजार में आ रहे हैं, तो किशमिश बनाकर हमें रख लेना चाहिए। मैंने थोड़े लंबे साइज के अंगूर लिए हैं, जिन्हें मैंने धोकर साफ करके रखा है। इसके अलावा ही कुछ आपको इस अंगूर के गुच्छे में से जो छोटे साइज के अंगूर दिख रहे हैं या थोड़े से जो दबे हुए अंगूर हैं, आप उन्हें अलग हटा दें, उसकी किशमिश ना बनाएं। तो इस तरह से मैं सभी अंगूर को अच्छी तरह से अलग करती जा रही हूँ, सभी बड़े साइज के ही अंगूर ले रही हूँ, ताकि फिर किशमिश भी अच्छी बड़ी बड़ी सी किशमिश बने। तो दोस्तों, इतना आसान है किशमिश बनाना, और घर पर हम जब किशमिश बनाते हैं तो वो बहुत ही सस्ती बनती है। अभी अंगूर बहुत अच्छे मार्केट में आ रहे हैं और बहुत ही सस्ते हैं, तो कुछ जो खराब अंगूर हैं उन्हें मैंने निकाल दिया, उनकी डंडियां अलग कर दी हैं, और जो छोटी क्वालिटी के अंगूर हैं उसे हम खाने में यूज करेंगे, उसकी हम किशमिश नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने अंगूर साफ करके रख लिए हैं। यहाँ पर मैंने आधा भगोनी के करीब पानी लिया है। पानी जब हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा, तब इस गर्म पानी में हमें अंगूर डालना है। अभी पानी में उबाल नहीं आया है दोस्तों, सिर्फ पानी गर्म हुआ है और मैंने इसमें अंगूर डाल दिए। अंगूर डालकर हमें 3 से 4 मिनट ही सिर्फ हमें पकाना है। अभी आप देखिएगा, जैसे ही अंगूर पक जाएंगे, अपने आप वो इस पानी के लेवल पर आ जाएंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अंगूर पक चुके हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं, सभी अंगूर ऊपर आ चुके हैं। बस इस तरह से अब हमें छन्नी में अंगूर को निकालना है। आप देख रहे होंगे 1-2 अंगूर की जो ऊपर की स्किन होती है वो हल्की सी क्रेक होने लगी है। बस इस समय हमें गैस बंद करना है और इस छन्नी की सहायता से हमें सभी अंगूर को निकाल लेना है। बहुत आसानी से दोस्तों हम किशमिश बना सकते हैं। बाजार में किशमिश बहुत ही महंगी आती है और घर पर हम बहुत कम खर्च में इतनी सारी किशमिश बना सकते हैं। तो मैंने इसके गर्म पानी को फेंक दिया है दोस्तों, और इस तरह से एक छेद वाली छन्नी ली है मैंने, जिसमें मैंने निकाल कर रख दिया है। एक प्लास्टिक की ट्रे है जो थोड़ी सी जमीन से ऊँची है दोस्तों, ताकि जमीन में टिकने ना पाए और उसका पानी अच्छी तरह से निथर जाए, इसलिए मैंने ऊँची ट्रे ली है। इसमें मैंने एक कॉटन का पतला कपड़ा रख दिया है और जो अंगूर अभी हमने में निकाले थे इस कपड़े में अच्छी तरह से हम फैला देंगे। थोड़े हम इसे दूर दूर फैलाएं, ताकि बहुत अच्छी तरह से यह सूख जाएं। कपड़ा रखने का कारण यह है दोस्तों कि हम ये जो कपड़ा रखे हैं उसमें जो अंगूर में मॉइस्चर होता है, नमी या पानी होते हैं, वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब मैं इसे धूप में रख रही हूँ। पूरे 24 घंटे के बाद की शूटिंग है, 1 दिन हो चुका है। आप देख रहे हैं बहुत ही जल्दी किशमिश तैयार होती है दोस्तों। अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए 1 दिन में ही किशमिश बिल्कुल तैयार हो गई। आपको मैं दिखा रही हूँ, सभी किशमिश हमारी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। हो सकता है विंटर के सीजन में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, परंतु समर सीजन में 1 दिन में ही अच्छी ड्राई हो गई है। और यदि आपको गीली लगे तो आप 2 दिन भी इसे सुखा सकते हैं, और इस तरह से इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में बंद करके आप रख सकते हैं। ये हमारी किशमिश तैयार है।